ऑल्टरनेटिव थेरेपी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम अष्टांग योग की धारणा का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आग्नेय धारणा। किसी ध्यान के आसन में बैठ जाइए। ध्यान को दाहिने पैर के अंगूठे पर टिका दीजिए। अब चिंतन करें कि मेरे दाएं पैर के अंगूठे से अग्नि की चिंगारी निकल रही है और मेरा दाहिना अंगूठा, पंजा, पैर लकड़ी की भांति धूं धूं करके जल रहा है। ऐसे ही बायां पैर, धड़, सीना, दोनों हाथ और सिर को अग्नि की प्रचंड ज्वाला जला रही है। सारे शरीर को जलाने के पश्चात यह अग्नि शांत हो गई है और शरीर के जलने के साथ ही चिंतन करें कि मेरे सभी पाप जलकर भस्म हो गए हैं। इसके अभ्यास से सर्दी और कफ के सारे विकार दूर हो जाते हैं। हमारे विज्ञान भैरव में इतना कहा गया है कि दाहिने पैर के अंगूठे से उत्पन्न कालाग्नि से अपने शरीर को जलता हुआ देखें, इससे परम शांति की प्राप्ति होती है। शरीर को जला देने के पश्चात यह अग्नि सारे विश्व को जला रही है, संपूर्ण संसार को विकल्पों से जला हुआ समझकर अनंत चित्त वाले पुरुष को समाधि की प्राप्ति हो जाती है। अब वारुणी धारणा का अभ्यास करेंगे। ध्यान के आसन में बैठकर चिंतन करें कि घनघोर वर्षा हो रही है और समस्त विश्व इन धाराओं से भीगा जा रहा है। अब धीरे धीरे वर्षा का वेग कम हो रहा है और उसकी हल्की बूंदें मेरे मस्तिष्क पर पड़ रही हैं और सहस्रार चक्र से सुषुम्ना मार्ग द्वारा मूलाधार एवं सारे शरीर को आप्लावित कर रही हैं और मैं इनके शीतल मार्ग से सभी मानसिक संतापों से मुक्त हो गया हूं। मुझे अपूर्व शांति प्राप्त हो रही है। मेरी भूख प्यास का भी निवारण हो रहा है। अब है ईशानी धारणा। ध्यान के आसन में बैठकर श्वास प्रश्वास को सहस्रार में जाते आते देखें। सहस्रार क्राउन चक्र को कहते हैं, जो हमारा सेवंथ चक्र है। श्वास को सहस्रार में आते जाते देखें और उसे दीर्घ सूक्ष्म करते चले जाएं। प्राणायाम के सम हो जाने पर सहस्रार चक्र में सर्वव्यापक परमेश्वर का ध्यान करें, द हायर सेल्फ ऑलमाइटी। वह परमेश्वर स्वयं निराकार होते हुए भी इस साकार संसार की रचना कर रहा है और इस रचना के माध्यम से स्वयं प्रकट हो रहा है। गुरु कृपा से जब उसका दर्शन हो जाता है तब सारा संसार बच्चों के खिलौने जैसा प्रतीत होने लगता है। अब हम ध्यान करेंगे अमृता धारणा। ध्यान के आसन में बैठकर सिर से 12 उंगली ऊपर
व्यापिनी चक्र में खिले हुए श्वेत कमल पर धारण करें कि वह कमल आकाश स्थित समुद्र में खिला हुआ है और यह संपूर्ण आकाश उस अनंत ब्रह्म से आपूर्त हो रहा है। इसी प्रकार अनाहत चक्र हार्ट चक्र में धारणा करें और उसकी कर्णिका के मध्य में मैं सूक्ष्म शरीर के साथ विराजमान हो रहा हूँ। मेरे सारे कलेश और पाप नष्ट हो रहे हैं। इसका ध्यान करें, इसका अभ्यास करें और आपको कोई क्वेरी है तो alternativetherapyclinic.net पर जाएं। धन्यवाद।